सभी गणेश भक्तों का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है अनंत चतुर्थी, यानी कि आज गणपति बप्पा के विसर्जन का आखिरी दिन है। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ चन्नी रोड पे, और यहाँ हमारे साथ में आपको जितने लोग भी नज़र आ रहे हैं, सब जा रहे हैं गिरगांव चौपाटी, क्योंकि यहाँ पर मुंबई की सब लगभग सभी बड़े गणपति बप्पा का मूर्तियों का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मुंबई के सभी बड़ी बड़े गणपति बप्पा के मूर्तियों का विसर्जन। बहुत गर्दी है सच में। इसके पहले आपने इधर किधर गणपति विसर्जन देखा? नहीं, मतलब कहीं पे भी इतने दिनों में नहीं देखे क्या? नहीं, ये भाई मेरे को मिला है, इनका नाम है ललित पुरोहित। तो भाई अकेले आया था गणपति विसर्जन देखने के लिए, मैं भी अकेले आया था, और हम दोनों साथ में अब गणपति बप्पा का विदाई करेंगे। और लोग अपने पूरे फैमिली के साथ आए हैं गणपति बप्पा का विसर्जन देखने के लिए। चारों तरफ लोग ऐसी चटाई या फिर छोटा छोटा रुमाल या गोनी बिछा करके गणपति बप्पा का विसर्जन देख रहे हैं। पूरी फैमिली ट्रिप यहाँ पे आई हुई है सबकी। मारिया मारिया लौकरिया मारिया मारिया। तो दोस्तों, अभी मेरे सामने है गणपति बप्पा के कई सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, जो कि अभी विसर्जन के लिए लाइन में लगी हुई हैं, क्योंकि बड़ी मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए बहुत ही अंदर लेकर के जाना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ी सी मूर्तियों को अभी यहाँ पर रोक के रखा गया है, क्योंकि अभी इन सभी मूर्तियों का आरती होगा, पूजा होगा, उसके बाद उनको लेके जाएंगे विसर्जन करने के लिए। अभी अपने साथ में मेरा पार्टनर जुड़ गया है, ऐसे ही और भी कोई अकेला है तो आ सकता है हमारे ब्लॉग में आज के इस ब्लॉग के लिए। तो आप लोग ये सब देख सकते हो, यहाँ पे गणपति बप्पा के बड़े बड़े मूर्तियों का लाइन लगा हुआ है विसर्जन करने के लिए। अभी कई सारी मूर्तियाँ आ गई हैं और कई मूर्तियों का विसर्जन बाकी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादा करके सभी की सभी मुझे ऐसा लगता है कि खेतवाड़ी खेत गले की गणपति है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी वही गणपति बप्पा है जो कि मैंने इसके पहले आप सभी को ब्लॉग में दिखाया था। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति वर्षी। अभिमन्यु का डायरी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं करा रहा हूँ ये गणपति बप्पा के बड़े बड़े मूर्तियों का दर्शन, जो कि आज विसर्जन होने के बाद सीधा आप लोगों को नेक्स्ट साल यानी कि अगले साल ही मिलने वाले हैं। तो अपने भाई की इस एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। हो गया विसर्जन? हाँ, वो लोग तोड़ रहे, तोड़ क्यों रहे? ऐसा लग रहा है मुझे, आगे ले जाना चाहिए। हाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन वो किनारे पर ही कर रहे हैं, यहाँ नज़दीक में ही गणपति बप्पा का विसर्जन कर दे रहे हैं, ज़्यादा अंदर लेकर के नहीं जा रहे हैं। भागो भागो भागो। Yeah.
तुम ऐसे ही कभी आते हो इधर घूमने संडे वगैरह? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को गणपति बप्पा के विसर्जन देखने के लिए भक्तों का भीड़ और विसर्जन करने वाले लोगों का नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ चारों तरफ इतने लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा बुरा लग रहा है कि अपन जाके इतने बड़े बड़े गणपति का जाके वहाँ पे इतने दिन तक पूजा वूजा करते और सब लोग ऐसा करते हैं। अभी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा ऐसा होता है, मतलब विसर्जन देखा था लेकिन ऐसा बीच ठंडा नहीं देखा था मैं इस तरह से। छोटी छोटी करो पूजा लेकिन ऐसा मत करो यार। चले भाई ठीक है, आप बैठे Yeah.
रथ पुढे जाऊ द्या, रथ बाप्पाचा रथ पुढे जाऊ द्या. दोस्तों मैं था अभी गिरगांव चौपाटी पे और यहाँ पर अभी समय हो रहा है लगभग 11:30 और यहाँ पर मुंबई की सभी बड़ी बड़ी गणपति लगभग विसर्जन हो गया है, लेकिन अभी तक लालबाग के राजा कहाँ पहुँचे किसी को कुछ पता भी नहीं है. यहाँ पर अभी तक लालबाग के राजा नहीं आए. हाँ ब्रो यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग अभी अपनी बड़ी बड़ी गणपति लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी गणपति होने की वजह से अभी ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है मुंबई की सड़कों पे, जिसके वजह से अभी लगभग 12 बजने वाला है. अभी तक पूरी तरह से किसी भी गणपति का विसर्जन नहीं हुआ है, गणपति आने का लाइन लगा ही हुआ है. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गिरगांव चौपाटी से बाहर और देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है और गणपति बप्पा किस तरह से आ रहे हैं रोड पे इतनी ट्रैफिक के बीच में. Thank you.
होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या।